हाँ सो गाइस, आज हम लोग देखेंगे क्या है डिफरेंस बेसिकली एक बीडीए में और एक पीएसए में। मेन जो बीडीए होते हैं बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, जिनका मेन काम होता है कॉलिंग करना एंड आफ्टर दैट सेशन बुक करना एंड आफ्टर दैट उसको कंडक्ट करना। जो सेशन होगा वो मे बी होम कंडक्शन भी हो सकता है और जूम कंडक्शन भी हो सकता है। ओके, उन दोनों को कैटर करना। पीएसए होते हैं प्री सेल्स एसोसिएट, जिनका काम होता है सिर्फ कॉलिंग करना और बीडीए के लिए सेशंस बुक करना। जो टारगेट होते हैं दोनों में अलग होते हैं। एक बीडीए का जो होता है वो चलता है सेशन, उनको बीडीए को एक दिन में 2 आवर्स का टारगेट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलिंग का। एंड आफ्टर दैट उनको क्या होता है, कंडक्शन करना होता है, अपने जो सेशंस बुक करने होते हैं सैटरडे संडे के लिए बुक करने होते हैं। और वहाँ पे उसको सैटरडे संडे को उनको क्या करते हैं, कैटर करते हैं। ये मंडे तक भी चल सकता है फॉर द डायरेक्ट सेल्स एंड ट्यूजडे छुट्टी। एंड लाइक दैट इन प्री सेल्स आपको 3 आवर्स की कॉलिंग करनी होगी हर डेली, ये टारगेट होगा। एंड आपको मिनिमम 8 बुकिंग्स भी डेली करनी होगी जूम कनेक्शन, आपको बीडीए के लिए बुकिंग्स देनी होगी। ओके, जो सैलरी होती है ऑफकोर्स बीडीए की ज्यादा होती है, आपको 53,000 इन हैंड मिलेगा, 60,000 आपको सीटीसी मिलेगी, प्लस इंसेंटिव भी है उसमें। आप टारगेट के ऊपर जितना भी सेल्स अचीव करते हो उसका 10%, तो अराउंड 60-70,000 आपका मंथली हो जाता है, 70,000। बट इसमें इंसेंटिव कम है प्री सेल्स में, एंड जो आपको सैलरी है वो भी कम है। तो ऑफकोर्स बीडीए एक अच्छी प्रोफाइल होगी बीसीएसए से। और जो पीएसए की सैलरी होती है वो होती है 40,000 और आपका जो इन हैंड होता है वो 36,000 के अराउंड होगी। तो ओवरऑल ओवरऑल देखेंगे तो जो पीएसए प्रोफाइल है वो बीडीए प्रोफाइल से लो प्रोफाइल हम लोग कह सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड।